मोती मूगा दिए उतार बनमाला कोई मेरे तो गर्भपाल और चुनरी के किए टूक टूक ओढ़ लीनी लोई मेरे तो गर्भपाल। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने तेरी मैं तो दर्द की मानी बन बन डोलो दर्द की मारी बन बन डोलो वैद्य मिला नहीं को मीरा की तब पीर मिटे जब वैद्य संभलिया हो तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो जब बुद्धि निर्मल होती है तो वो ईश्वर का वर्ण कर लेती है और बुद्धि जब मलिन होती है तो वो परिवार का वर्ण पुराण से शायद बात समझ में आ जाए। जब बाल विवाह होते थे 5-6-7 वर्ष की कन्याओं की शादी होती थी तो शादी के बाद भी मायका छोड़ना नहीं चाहती थी। नहीं समझ में आ रही बात 5 वर्ष की लड़की की शादी हुई तो ससुराल जाने को उत्सुक होती है क्या? और जवान लड़की जब शादी होती है तो एक दिन मायके में नहीं रहना। जवान लड़की की शादी हुई बस हमेशा के लिए ससुराल और छोटी बच्ची की शादी हो भी जाए तो मायका नहीं छोड़ो। हमारी बुद्धि अभी छोटी है इसलिए इतनी कथा सुन के भी माया मायका नहीं छोड़ रही। अगर हमारी बुद्धि निर्मल हो जाए तो जवान लड़की की तरह माया माया को छोड़कर सीधे भगवान से जुड़ जाए। मीरा की बुद्धि निर्मल थी ध्रुव प्रहलाद की बुद्धि निर्मल थी। शास्त्र कहते हैं कि तुम मूर्ख हो तब तक जब तक तुम्हारा मन ईश्वर से नहीं जुड़ा। क्या जिस दिन तुम ईश्वर से जुड़ जाओगे अंगूठा छापो तो भी 10 विषय से एमए कर लिया मान लिया जाए और जब तक तुम्हारी बुद्धि ने ईश्वर को स्वीकार नहीं किया तब तक 10 विषय से एमए पीएचडी करने के बाद भी तुम शास्त्र की भाषा में मूर्ख हो मूर्ख हो मूर्ख। गोपियां कोई कॉलेज में पढ़ने गई थी क्या? बीए एमए पीएचडी की कोई डिग्री थी क्या उनकी? बोलो। सुखदेव जैसा परमहंस जो लंगोटी नहीं पहनता कर जिसको स्त्री और पुरुषों के भेद का पता नहीं वो कहता है धन्याः ब्रज स्त्रियः। ब्रज की स्त्रियां अंगूठा छाप गोबर उठाने वाली पोचा लगाने वाली दूध दही बेचने वाली उन दिनों इतनी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था थोड़े थी। पर सुखदेव भगवान ने किसी ऋषि महर्षि के लिए धन शब्द का प्रयोग नहीं किया। वो कहते हैं धन्याः ब्रज स्त्रियः ब्रज की क्यों बोले पुरुक्रम चित्ते यानः जिन्होंने अपने मन मंदिर में सांवले सलोने श्याम सुंदर की मूर्ति सदा के लिए बैठा रखी है उनके दिल में पति पुत्र बेटी बेटा परिवार का चित्र कभी बनते ही नहीं पंता ही नहीं। इसलिए वे धन्य धन्याः ब्रज स्त्रियः क्यों उरुक्रम चित्तया तुम्हारी सारी चतुराई बेकार है अगर भगवान से तुम जुड़े हो। पत्नी पुत्र परिवार की सेवा तो पशु भी कर ले कुतिया भी अपने बच्चों को चाटती है और दूसरा पिल्ला आया है तो काटती है ठीक है गलत है। और हम भी अपने बेटे पोतों से प्यार करते हैं दूसरों को दुत्कार देते हैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ दे रहे हैं धर्म कर्म ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं है तो कुत्ता बिल्ली से ज्यादा हमारी बुद्धि क्या है? हमारी बुद्धि की सार्थकता यही है कि हमारी बुद्धि भगवान का वर्ण कर ले स्वीकार कर उनको स्वीकार कर लिया सब ठीक। झूठो है झूठो है झूठो सदा जग इस संत कहंत जे अंत लहार ताही सहे सठ कोटिक संकट काढ़त दंत करंत हहार। जान पनी को गुमान बढ़ो मैं डॉक्टर हूं मैं इंजीनियर हूं मैं प्रोफेसर हूं मैं वकील हूं
बड़ा गुमानी है तू। बोले जान पानी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गवार महा है। और जान की जीवन जान न जाने तो जान कहा नो जानत का। जान पानी को गुमान बड़ो, तुझे अपने समझदारी का बड़ा गुमान है। जान पानी को गुमान बड़ो पर तुलसी के विचार गवार महान। और जान की जीवन जान न जाने तो जान कहावत जाने का। अगर तूने ईश्वर को नहीं जाना तो तूने क्या जाना? कुछ भी नहीं जाना। और तू अंगूठा छाप है और तूने ईश्वर को जान लिया, बोले तेरे जैसा कोई विद्वान नहीं संसार के। धन्य ब्रज स्त्रिया, ब्रज की स्त्रिया जुड़ जाओ ईश्वर से भैया। देखो यार, किसी के पेट में दर्द हो रहा हो 10 साल 20 साल, 1000 दवाइयां खाई, पर जिस दवा से लाभ होगा पेट दर्द वाला पूछेगा तो कौन दवाई बताएगा? बोलो जिससे लाभ हो खाई चेक करो दाम। तो हम लोग भी वैसे ही हैं, जिस दवाई से हमको शांति मिली है वही दवा आपको बांट रहे हैं कि आप लोग भी खा लो, हमारी तरह निश्चिंत हो जाओ, आराम से जिंदगी कटेगी। क्या था गोवर्धन लीला 10 मिनट में कह के विराम लेते हैं, समय थोड़ा। एक टाइम की कथा से क्या बनता। जबलपुर में एक बार भागवत सुनाई हमने प्रारंभ में, आज से 50 वर्ष तक जब पढ़ के आए, 5 वर्ष में पूरा हुआ। 1 घंटे रोज सुनाते थे, 5 वर्ष कितने घंटे हुए, और यहां 7 दिन के 21 घंटे हुए। क्या सुना पाएंगे? अष्ट भगवान ने गोवर्धन कैसे धारण किया, ब्रजवासियों को कैसे बचाए, गिरिराज जी की परिक्रमा क्या करो, बाबू मिठनलाल जी क्या नाम था, जिंदगी भर वो पूर्णिमा को परिक्रमा लगा जब तक शरीर में शक्ति। और कभी बैठते तो आंसू भर के कहते थे मेरे सारे काम अपने आप। उन्होंने घटना हमको सुनाई थी, बोले सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, एक ही वकील था, 2 वकील के बिना सुप्रीम कोर्ट के केस नहीं चलते। तो बोले उसने हमसे कुछ कहा व्यवस्था, और जब केस वहां पहुंचे हमने बोले उसको सलाह दी कि तुम गोवर्धन की परिक्रमा कर तेरा केस। बोले जब कोर्ट में मैं पहुंचा बहु मिठल लाल चलाते, बोले जब कोर्ट में पहुंचा वो व्यक्ति तो उसने क्या देखा कि जज के पीछे भगवान की छाया ऐसे पड़ रही, ऐसे लाइट आ रही पीछे, जज को नहीं दिख रहा उसको दिख रहा। और फाइल देखी और देखते ही बोले कि तुम्हारा केस ही गलत है, उसी समय छुट्टी कर खारिज कर जाओ तुम बरी हो। वो गोवर्धन, एक सज्जन सुना रहे थे कि हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, हमारे साथी आगे निकल गए, हम पीछे रह गए, तो डॉक्टर वैक्टर कहीं चला गया। और एकदम काली बदली आई, भयानक वर्ष, आंधी और तूफान, बिजली कड़क करी, रात का समय। कृष्णलाल सीकरी भी तो जाते रहते जिनके अनुसार, बोले अब मैं ठंड से कांप रहा, अंधेरी रात क्या करूं। सज्जन सुना रहे प्रकाश हो तो आगे चाहे, अब तो सड़क बन गई, पहले सड़क बनने थी, गड्ढे वड्ढे पे सब रहते थे ना भाई, प्रकाश मिले तो मैं जाऊं। चलो ठंड भी जोर की, अचानक वर्षा होगी तो। इतने में देखा एक व्यक्ति लालटेन लिए और गरम गरम कुल्लर में दूध लेके आए, फिर गरम दूध के लिए आप कौन कहां से आए? आपके साथियों ने मेरे को भेजा, आपके मेरे गरम गरम पीले पिया ठंड गरम, अब वो लालटेन लेके चल गए पीछे पीछे पीछे।
जब उसके साथ ही थोड़े दूर रह गए तो कहता व्यक्ति, देखो वो बैठे हैं तुम्हारे साथ ही। अच्छा, बोले बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, आपने रास्ता दिखा। अब जब मैं पहुंचा साथियों के पास, मैंने कहा भाई आपने गर्म दूध भेज के और लालटेन भेज के बड़ा उपकार। बोलने का हमने भेजे नहीं किसी को, वृंदावन हमने भेजे ही नहीं, ना दूध भेजा ना लाल, सौगंध उठाई गोबर। हाँ बोले कि वो कह रहे थे, अरे बोले वही गोवर्धन इस रूप में आ गए उनके पास के बिहारी। वृंदावन गिरिराज जी की एक भजन सुनाएंगे। गिरिराज बाबा की 5-7 मिनट लगेंगे बस, छुट्टी कल की तो बात है, परसों प्रातः काल कथा होगी है, 2:12 बजे पहुंचा कल शाम को, परसों प्रातः काल 9 से 12 ध्यान बोलो गिरिराज महाराज की, जोर से बोलो गिरिराज बाबा की। जैसा गुरु जी कह रहे हैं आज भी गिरिराज महाराज के चमत्कार होते हैं जो सच्चे हृदय से उनको मानते हैं। आइए, अरे तू एक बार आ जा बार आए जा गिरिराज की शरण। Bye.
इंद्रियाग करते हैं पर इंद्र कभी आता नहीं। एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा करके देखिए, पूजा करके देखिए, साक्षात गिरिराज जी प्रकट होकर आपको आशीर्वाद देंगे। सभी लोगों ने समर्थन किया, 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए। देखो आरती के बाद बहुत बढ़िया कीर्तन होता है,
आप लोग जल्दी भागते हो क्योंकि आपको घर की बड़ी चिंता रहती है ना। बिठा दो एक बार गुरु जी। हाँ उसके बाद में परिक्रमा भी हो सकते हैं। बहुत बढ़िया लोग कीर्तन करके नाचते हैं, वो भी देखना चाहिए। अच्छा तो 56 प्रकार के व्यंजन ले जाकर रखे गए हैं। भगवान कृष्ण ने अपने दो रूप बनाए हैं, एक रूप से बाबा के पास खड़े थे, दूसरे रूप से गिरिराज बन के प्रकट हो गए। शैलोष्मीति भुवन भू, हजारों हाथ हजारों पैर बनाए ठाकुर ने, हजारों सिर थे और सभी ब्रजवासियों का भोजन अरोगा है भगवान ने स्वीकार किया है। ब्राह्मण से लेके चांडाल पर्यंत सबको भोजन दिया गया, गायों का श्रृंगार किया गया, गायों को हरी हरी घास खिलाई गई है। चारों तरफ एक आनंद का माहौल बन गया। इसके बाद परिक्रमा गिरिराज जी का प्रसाद लेके जाना चाहिए। अच्छा जो पास तक रुकेंगे वो पा सकेंगे। आरती के बाद उसके बाद केवल एक दिन तो है कल शाम का, परसों तो सुबह पूर्णावती है ना। ये आप लोगों की श्रद्धा है, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग सुनने आ जाया करते हैं। प्रायः वक्ताओं का साल दो साल तीन साल ही लोग भाव से सुनते हैं। ऊपर ठाकुर की कृपा है, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की परिक्रमा की है ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। गायों को साथ लेके गोवर्धन की गोपाल ने भी परिक्रमा की। इंद्र को बड़ा क्रोध आया कि मेरी सनातन पूजा मिटा दी है, मैं भयानक वर्षा करके ब्रज को बहाकर समुद्र भेज दूंगा। प्रलय काल में वर्षने वाले बादलों को बुलाया, भयानक वर्षा हुई है, आंधी और तूफान, वृक्ष धराशाही होने लगे। ब्रजवासियों का तो एक ही आधार है भगवान कृष्ण, गोविंदम शरणम यजौ। सबके सब मिलकर गोविंद की शरण में गए। प्रभु बचाओ, भगवान ने कहा मां भयिष्ट डरो नहीं, आत्मयोगे न साधये, मैं अपने आत्मयोग योग बल से तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रभु बार बार वचन दे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रक्षकत्वे न भगवान का वर्ण करना चाहिए, जैसे कन्या अग्नि की साक्षी में अपना हाथ पति को दे देती है, ध्यान रखे, यानी अपना स्वामी मानती है। पति शब्द का अर्थ है रक्षक, पाति रक्षति पति, जो पत्नी की रक्षा करे उसी का नाम पति होता है। तो असली पति तो परम पिता परमात्मा ही है सबके, वही सबकी रक्षा करते हैं। आत्मयोगे न साधये, मैं योग बल से आपकी रक्षा करूंगा। और बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज जी को उठा लिया है। ऋषि महर्षि पुष्प वर्षा के बाजे बजाकर जय जयकार कर रहे हैं। एक दिन नहीं दो दिन नहीं, 7 रात 7 दिन प्रभु ने गोवर्धन रख गर्ग संगीता हो गए। गोवर्धन की स्थापना भगवान ने कहा मेरा स्वरूप हो गया है, गिरिराज की परिक्रमा दर्शन पूजन आपके परिवार में सुख शांति का विस्तार करता रहेगा। एकादशी को पूर्णिमा को आप आके देखो गोवर्धन में पैर रखने की जगह नहीं होती, लाखों लाख व्यक्ति परिक्रमा करते, उनकी कामनाएं भी पूर्ण करते रहते हैं। गिरिराज जी स्थापित हो गए हैं, भगवान का नाम गिरधर पड़ा, गिरिराज धारण भी कहते हैं। गिरधर माने गोवर्धन को धारण करने वाले गिरिधर। मीरा को यही नाम यही रूप बहुत प्यारा लगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को, गिरिधर का ही। जो विशाल पर्वत को उठाकर भक्तों की रक्षा करके भगवान ने यह संकेत दे दिया कि मेरी शरण आओगे मैं हर समय तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा स्थापित। इंद्र घबरा करके ब्रह्मा के पास गए, मुझसे अपराध हुआ, मैंने कृष्ण को मनुष्य समझ लिया था, ये परमात्मा है। ब्रह्मा ने कहा गाय की पूंछ पकड़ के जाओ तो क्षमा हो जाए।
अगर गोपाल को प्रसन्न करना है तो गाय की पूंछ पकड़ो, मतलब गाय की सेवा करो। लाला श्री कृष्णदास जी की गौशाला में 300-400 गाय हैं इस समय, और ये बड़े प्यार से उसका सम्मान, और इसीलिए इतने ऊंचे उठ गए, नगर सेठ हैं, अनेक कार्य के द्वारा हुए मंगल में। तो कहने का अभिप्राय गाय, जब गाय को लेकर के इंद्र आया है पूंछ पकड़ के कामधेनु की, भगवान क्षमा कर देते हैं और आगे अपराध नहीं करना। गौ माता ने कहा हमारे वंशजों को की रक्षा अपने की, हम अपने दुग्ध से आपको स्नान कराना चाहते हैं, अगर सामर्थ्य हो तो अपने घर में ठाकुर को रोज पंचामृत से नहलाया करो, पंचामृत न मिल सके तो खाली गाय के दूध से भी ठाकुर को नहलाओगे तो दूध और पूत की कभी कमी नहीं रहेगी, तुम्हारे परिवार में सदा सुख और शांति का विस्तार होता रहेगा। गाय के दूध में, गाय के दही में, गाय के घी में, गोमूत्र में, गोबर में, सब में अमृत भरा हुआ है। महाभारत में एक प्रश्न है कि मर्त्यलोके किमामृतम्, मृत्युलोक में अमृत क्या है? उत्तर है गवामृतम्, गाय से उत्पन्न होने वाली हर वस्तु अमृत होती है। इसलिए गाय पालो, गाय का दूध पियो, नहीं तो गाय नेश नाबूत हो जाएंगे, रह ही नहीं जाएंगे। और भगवान का नाम गोपाल है क्योंकि वो गायों की पालना करते हैं, सेवा करते हैं। कामधेनु ने कहा आपने हमारे वंशजों की रक्षा की इसलिए हम अपने दुग्ध से आपको नहलाना चाहती हैं, भगवान ने स्वीकृति दे दी है। कामधेनु गौ माता ने अपने दुग्ध से नहलाया है। इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी स्वर्ग से आकाश गंगा का जल ला के नहलाता है, बहुत बढ़िया श्रृंगार होता है। आज भी जतिपुरा में सैकड़ों मन दूध प्रतिदिन चढ़ता है, गोमुख में वहां भी चढ़ता है, गोवर्धन मुख में जो लोग गए हो खाओ। ये जो आजकल हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं, ब्लॉकेज हो रही है, सब भैंस के दूध का दुष्परिणाम गंदी चीजें खाने से होता है। गाय का मूत्र कभी बीमारियां नहीं आने देता शरीर में, प्रातः काल 2-4 चम्मच ले लो तो बीमारी समाप्त। गाय अमृत है, गाय का दुग्ध अमृत है। श्रृंगार हुआ है, आरती, आप लोग आरती करेंगे और उसके बाद फिर कीर्तन होगा, सभी लोग नाचते हैं खुश होकर के, खुशी प्रेरणा से बने थे। बाबा आप प्रतिवर्ष इंद्र याद करते हैं पर इंद्र कभी आता नहीं। एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा करके देखिए, पूजा करके देखिए, साक्षात गिरिराज जी प्रकट होके आपको आशीर्वाद देंगे। सभी लोगों ने समर्थन किया, 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए। देखो आरती के बाद बहुत बढ़िया कीर्तन होता है, आप लोग जल्दी भागते हो क्योंकि आपको घर की बड़ी चिंता रहती है ना। बिठा दो एक बारी गुरु जी। हाँ बिठा दो जी, बिठा दो फिर। इसके बाद में परिक्रमा भी हो सकते हैं। बहुत बढ़िया लोग कीर्तन करके नाचते हैं, वो भी देखना चाहिए। अच्छा तो 56 प्रकार के व्यंजन ले जाकर रखे गए हैं, भगवान कृष्ण ने अपने दो रूप बनाए हैं, एक रूप से बाबा के पास खड़े थे, दूसरे रूप से गिरिराज बन के प्रकट हो गए। शैलोस्मीति भूर्वन भूत,
हजारों हाथ हजारों पैर बनाए ठाकुर ने, हजारों सिर थे और सभी ब्रजवासियों का भोजन अरोगा है भगवान ने स्वीकार किया है। ब्राह्मण से लेके चांडाल पर्यंत सबको भोजन दिया गया, गायों का श्रृंगार किया गया, गायों को हरी हरी घास खिलाई गई है। चारों तरफ एक आनंद का माहौल बन गया। इसके बाद परिक्रमा, गिरिराज जी का प्रसाद लेके जाना चाहिए। अच्छा, जो बाद तक रुकेंगे वो पा सकेंगे। आरती के बाद, उसके बाद केवल एक दिन तो है कल शाम का, परसों तो सुबह पूर्णावती है ना। आप लोगों की श्रद्धा है, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग सुनने आ जाया करते हैं। प्रायः वक्ताओं का साल दो साल तीन साल ही लोग भाव से सुनते हैं। ऊपर ठाकुर की कृपा है, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की परिक्रमा की है, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। गायों को साथ लेके गोवर्धन की गोपाल ने भी परिक्रमा की। इंद्र को बड़ा क्रोध आया कि मेरी सनातन पूजा मिटा दी है, मैं भयानक वर्षा करके ब्रज को बहाकर समुद्र भेज दूंगा। प्रलय काल में बरसने वाले बादलों को बुलाया, भयानक वर्षा हुई है, आंधी और तूफान, वृक्ष धराशाही होने लगे। ब्रजवासियों का तो एक ही आधार है भगवान कृष्ण, गोविंदम शरणम यजौ। सबके सब मिलकर गोविंद की शरण में गए, प्रभु बचाओ। भगवान ने कहा मां भयिष्ठ डरो नहीं, आत्मयोगे न साधये, मैं अपने आत्मयोग योग बल से तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रभु बार बार वचन दे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रक्षकत्वे न भगवान का वर्ण करना चाहिए, जैसे कन्या अग्नि की साक्षी में अपना हाथ पति को दे देती है, ध्यान रखे, यानी अपना स्वामी मानती है। पति शब्द का अर्थ है रक्षक, पाति रक्षति पति, जो पत्नी की रक्षा करे उसी का नाम पति होता है। तो असली पति तो परम पिता परमात्मा ही है सबके, वही सबकी रक्षा करते हैं। आत्मयोगेन साधये, मैं योग बल से आपकी रक्षा करूंगा। और बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज जी को उठा लिया है। ऋषि महर्षि पुष्प वर्षा के बाजे बजाकर जय जयकार कर रहे हैं। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, सात रात सात दिन प्रभु ने गोवर्धन रख गर्ग संगीता हो गई। गोवर्धन की स्थापना, भगवान ने कहा मेरा स्वरूप हो गया है। गिरिराज की परिक्रमा दर्शन पूजन आपके परिवार में सुख शांति का विस्तार करता रहेगा। एकादशी को पूर्णिमा को आप आके देखो गोवर्धन में, पैर रखने की जगह नहीं होती। लाखों लाख व्यक्ति परिक्रमा करते, उनकी कामनाएं भी पूर्ण करते रहते हैं। गिरिराज जी स्थापित हो गए हैं, भगवान का नाम गिरधर पड़ा, गिरिराज धारण भी कहते हैं। गिरधर माने गोवर्धन को धारण करने वाले गिरधर। मीरा को यही नाम यही रूप बहुत प्यारा लगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को, गिरधर का ही। जो विशाल पर्वत को उठाकर भक्तों की रक्षा करके भगवान ने यह संकेत दे दिया कि मेरी शरण आओगे मैं हर समय तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा स्थापित। इंद्र घबरा करके ब्रह्मा के पास गए, मुझसे अपराध हुआ, मैंने कृष्ण को मनुष्य समझ लिया था, ये परमात्मा है। ब्रह्मा ने कहा गाय की पूंछ पकड़ के जाओ तो क्षमा हो जाए। अगर गोपाल को प्रसन्न करना है तो गाय की पूंछ पकड़ो, मतलब गाय की सेवा करो। लाला श्री कृष्ण दास जी की गौशाला में 300-400 गाय है इस समय, और ये बड़े प्यार से उसका सम्मान, और इसीलिए इतने ऊंचे उठ गए, नगर सेठ हैं, अनेक कार्य इनके द्वारा हुए मंगल में। तो कहने का अभिप्राय गाय, जब गाय को लेकर के इंद्र आया है पूंछ पकड़ के कामधेनु की,
भगवान क्षमा कर देते हैं और आगे अपराध नहीं करना। गौ माता ने कहा हमारे वंशजों को की रक्षा अपने की, हम अपने दुग्ध से आपको स्नान कराना चाहते हैं। अगर सामर्थ्य हो तो अपने घर में ठाकुर को रोज पंचामृत से नहलाया करो। पंचामृत न मिल सके तो खाली गाय के दूध से भी ठाकुर को नहलाओगे तो दूध और पूत की कभी कमी नहीं रहेगी, तुम्हारे परिवार में सदा सुख और शांति का विस्तार होता रहेगा। गाय के दूध में, गाय के दही में, गाय के घी में, गोमूत्र में, गोबर में, सब में अमृत भरा हुआ है। महाभारत में एक प्रश्न है कि मर्त्य लोके किमामृतम्, मृत्यु लोक में अमृत क्या है? उत्तर है गवामृतम्, गाय से उत्पन्न होने वाली हर वस्तु अमृत होती है। इसलिए गाय पालो, गाय का दूध पियो, नहीं तो गाय नेश नाबूत हो जाएंगे, रह ही नहीं जाएंगे तुम्हारे। और भगवान का नाम गोपाल है क्योंकि वो गायों की पालना करते हैं, सेवा करते हैं। कामधेनु ने कहा आपने हमारे वंशजों की रक्षा की इसलिए हम अपने दुग्ध से आपको नहलाना चाहती हैं, भगवान ने स्वीकृति दे दी है। कामधेनु गौ माता ने अपने दुग्ध से नहलाया है। इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी स्वर्ग से आकाश गंगा का जल ला के नहलाता है, बहुत बढ़िया श्रृंगार होता है। आज भी जतिपुरा में सैकड़ों मन दूध प्रतिदिन चढ़ता है, गोमुख में वहां भी चढ़ता है, गोवर्धन मुख में जो लोग गए हो। ये जो आजकल हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं, ब्लॉकेज हो रहे हैं, ये सब भैंस के दूध का दुष्परिणाम गंदी चीजें खाने से होता है। गाय का मूत्र कभी बीमारियां नहीं आने देता शरीर में, प्रातः काल दो चार चम्मच ले लो तो बीमारी समाप्त। गाय अमृत है, गाय का दूध अमृत है। श्रृंगार हुआ है, आरती आप लोग आरती करेंगे और उसके बाद फिर कीर्तन होगा, सभी लोग नाचते हैं खुश होकर के और खुशी। Yeah.
श्री गिरिराज स्वामी नमः। अराकिंचम समर्पयामि जलेन शीतले कर्णम पुष्पे देवाधिवंदनम सेवन्ति कामकुलचम पगपाटिलाब्जेयम् प्रवाल तुलसी गल मंडरे वेद काम को जयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणी यथा कालो दवानी चा पुष्पांजलि रमया दत्त गृहाण परमेश्वर श्री प्रभु सोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि निवेदया चरण पणे की लाजे We'll be right back.
कोई दी होगा।